नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जो अपना लास्ट वीडियो था, जो कल का वीडियो था, उसमें अपन ने बात की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो भोपाल जोन का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल चल रहा है उसके बारे में। तो आज अपन बात करने वाले हैं मेडिकल के बारे में, जो पूरा का पूरा मेडिकल का रिव्यू है दोस्तों। जो दो कैंडिडेट्स अपने साथ जुड़े हुए थे, एक थे झांसी से और एक थे नागपुर से, तो दोस्तों उन्होंने पूरा का पूरा रिव्यू हमारे साथ शेयर किया। तो दोस्तों, कैसा क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और क्या उसका कंक्लूजन निकला दोस्तों, तो आज अपन स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी ये चीज़ें देखेंगे। और मैं आपको सभी के सभी जो आपके डाउट्स और जो क्यूरीज है वो पूरे के पूरे क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, इनका जो सेंटर आया था वो कोटा में आया था, इन्हें कोटा में मेडिकल देने के लिए जाना पड़ा दोस्तों। फर्स्टली इन्होंने जो सबसे बात शेयर की कि जो वहाँ का स्टाफ है और जो डॉक्टर्स हैं बहुत कोऑपरेटिव और बहुत नॉर्मल है और बहुत बेसिक तरीके से मेडिकल ले रहे हैं। जो कोटा के रेलवे हॉस्पिटल हैं वहाँ में उनका मेडिकल हुआ। जो कम से कम दोस्तों 20-20 जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जा रहा है, ग्रुप में बुलाया जा रहा है, और किसी को भी दोस्तों रिजेक्ट नहीं करा जा रहा है, मतलब उन्हें रीमेडिकल के लिए नहीं कहा जा रहा है दोस्तों। फर्स्टली जो आपका एंट्री के टाइम आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जो मेडिकल के टाइम पे दोस्तों आपका बायोमेट्रिक हुआ था, सॉरी पीईटी और सीबीटी के दौरान जो आपका बायोमेट्रिक हुआ था वो आपके मेडिकल के दौरान नहीं लिया जा रहा है। बट हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट्स को क्रॉस चेक जरूर किया जा रहा है। क्रॉस चेक इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि फॉर एग्जांपल आपसे लिखवाया गया था पहले कि आपको ये चीज़ है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपके हैंड पे कट लगा हुआ है या कोई सी मेजर इंजरी है, उसके बहुत सारे स्ट्रेचेस मार्क है, तो आपसे खुद ही पहले लिखवा लिया गया था जब आपका बायोमेट्रिक हुआ था कि आपको ये है। तो बस उस समय भी आपको क्रॉस चेक इसलिए किया जा रहा है कि आप वही कैंडिडेट्स तो हैं ना, या दूसरे तो नहीं, या फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। और दोस्तों फिर जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उसके बाद डायरेक्ट ओपीडी में भेजा जा रहा है। आप ओपीडी में जाते हैं तो आपका सबसे पहले वहाँ पे दोस्तों होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में दोस्तों आपको एक कागज़ दिया जाता है, कागज़ आप जाते हैं उस पर आप यूरिन के ड्रॉपलेट जो थोड़ा सा यूरिन में उसको भिगो देते हैं, उसको गीला करके ले आते हैं और फिर आप डॉक्टर को सबमिट कर देते हैं दोस्तों। उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, बट वो अपने को समझ में नहीं आता है। बट जैसे ही वो कैंडिडेट्स ने थोड़ा सा सर से बात की, डॉक्टर से बात की, तो वो उसमें स्पेशली शुगर चेक कर रहे हैं आपको कहीं शुगर है तो नहीं, ये इसी का पता लगाने के लिए आपका यूरिन टेस्ट हो रहा है। फिर सेकेंडली जो बात हुई दोस्तों वो था आपका चेस्ट, चेस्ट एक्सरे। अब चेस्ट एक्सरे में दोस्तों चेस्ट एक्सरे क्यों हो रहा जा रहा है, आपकी रिब्स दोस्तों काउंट कर रहे, कुछ आपको माइनर या मेजर इंजरी तो नहीं है चेस्ट में। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट, आपकी हार्ट बीट, पल्स, बीपी और कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फिनिटी ऑफ वीडियोज़ हैं, कोई सी भी बुक्स दोस्तों प्रिफर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको खरीदने नहीं जाना है तो आपके पास फ़ोन है, आप यूट्यूब पे सर्च करके चेक कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में दोस्तों ये है कि आपको शीट दे दी जाती है दो तीन, आपको चेक करना है, वो बताएंगे कि इस पे अगर दो तीन आपको खाली पेज भी दे दिए जाएंगे, पर आपको फोर्स करेंगे कि इस पे कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है पर आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे हेजिटेट नहीं होना है, आपका मोरल डाउन नहीं करना है। आपको नहीं दिखता है तो आपको कॉन्फिडेंटली 110% आपको कहना है सर नहीं मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसे भी टेस्ट लिए जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पे दोस्तों पाइल्स का टेस्ट हो रहा है। पाइल्स में दोस्तों आपको बैंड करवा दिया जाता है, बैंड करवा के आपको जोर जोर से खांसने को कहा जाता है, जैसे ही करते तो आपको चेक करते हैं दोस्तों, ऐसा इंटरनल चेक बिल्कुल आपको ऐसे टच करके बिल्कुल भी नहीं, ओनली आपको चेक करते हैं और आपको बैंड कर देते हैं, आपको फिर चेक कर लेते हैं कि आपको कहीं तो, मतलब कहीं ज़्यादा पाइल्स की दिक्कत तो नहीं है, आप जूझ तो नहीं रहे उससे। और फिर फिफ्थ नंबर पर आपको उठक बैठक लगवाए जाते हैं। उठक बैठक से दोस्तों जैसे ही आपकी सांस जो फूलने लगती है और नॉर्मल डाउन हो जाती है, तो ये बीपी और पल्स चेक करने का एक और तरीका है। और फिर दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सिक्स नंबर पे आपको न्यूट कर दिया जाता है, आपको कपड़े उतरवाने को कहा जाता है। इससे दोस्तों आपके टेस्टिस और जो आपको हर्निया की मेन दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा डॉक्टर इतने कॉपरेटिव कि ऐसा नहीं कि आपको आ रहे हो टच करे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। वो दूर से ही आपको एक कैबिन बुला दिया जाता है, कांच का कैबिन रहता है, डॉक्टर तो आउटसाइड रहते हैं, आप इनसाइड रहते हैं, वो देख लेते हैं वहाँ पर, आपको एक चीज़ पर खड़ा कर दिया जाता है, तो वो मशीन के थ्रू आप चेक कर दिए जाते हैं, फिर आपको फटाफट कपड़े पहनवा के आपको बाहर कर दिया जाता है फिर दूसरे कैंडिडेट्स
उसको बुलाया जाता है। सेवन नंबर पे दोस्तों आई विज़न की बात आती है। उन्होंने कहा आई विज़न होता है दोस्तों दूर का, पास का, एक आपको चश्मा लगा दिया जाता है और फिर देखते हैं, बताते हैं बेटा ये क्या लिखा है ये बताइए, ये क्या लिखा है ये बताइए दोस्तों। और सी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक सी लिखा हुआ है तो बता देते कि इसका मुंह जो फेस है किस साइड से खुला हुआ है वो बताइए आप हमें। फिर नियर विज़न, डिस्टेंट विज़न, पास की चीज़, दूर की चीज़, जिसको चश्मा लगा है तो 6x6, 6x9, B/1, B/2 दोस्तों ये सब चेक कराया जा रहा है। दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके हाथों पे टैटू है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि भाई बताओ हमें, दोस्तों कोई भी इशू नहीं है उनको, कोई भी इशू नहीं है। जो कोटा जोन दोस्तों ये जो वहाँ पे मेडिकल देने गए थे उन्होंने कहा कि 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके हाथों पे टैटू थे दोस्तों, कोई इशू नहीं, उनको कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं हमें इस टैटू से, नहीं हमें तो ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो ये जॉब निभा सकें। दोस्तों बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ और डॉक्टर अच्छे थे। फिर जो आपका फ्लैट फुट था दोस्तों, आप वो देखते हैं कि आपके फिंगर में कोई डायलेशन तो नहीं, मतलब ज़्यादा ऐसे आड़े तिरछे आपके नाखून तो नहीं या उंगली तो नहीं। फिर आपकी हियरिंग कैपेसिटी दोस्तों, आपकी हियरिंग कैपेसिटी, आपको एक कैबिन में बिठा दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि आपको आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा सा इको जो सिस्टम होता है दोस्तों कि आवाज़ घूमती है तो आपको उसमें से आवाज़ जैसे ढूंढने को मिलेगा कि नहीं दोस्तों मतलब सर हमें ओनली एक ही वॉइस सुनाई दी जा रही है ऐसा। और फिर उसके बाद दोस्तों जो आपके माउथ रहेगा दोस्तों और आपकी आई जो डायलेशन करते हैं वहाँ पे टॉर्च मारते देखते हैं कि इस कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत तो नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो आई चेकअप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं हो रहा है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कैंडिडेट्स फॉर एग्जाम्पल जिसकी बहुत ही मेजर इंजरी हुई है आई से रिलेटेड और सर्जरी हुई है या उसको कुछ इंजरी है दोस्तों, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ओनली आपको चेक करते हैं टॉर्च के थ्रू और फिर आपको सेकेंड कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ मुझे लगा कि फ्यू थिंग्स है जो आपको बताना ज़रूरी है, जो कोटा से मेडिकल चल रहा है उन्होंने पूरा का पूरा रिव्यू और एक्सपीरियंस हमें शेयर किया। दोस्तों इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है कि जो मेडिकल हो रहा है दोस्तों, मेडिकल के बाद ओनली आप एक स्टेप दूर है, इसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब है उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ही नॉर्मल और बेसिक और कोऑपरेटिव तरीके से हो रहा है, आप बिल्कुल भी डरिए मत, बिल्कुल भी घबराइए मत। और 15-20 कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाया जा रहा है, 1x1 सभी का प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है, जो जिसे कुछ पता भी नहीं होगा उसको भी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जाएंगे आप प्रॉपरली, आपका 1x1 होगा और फिर आपको बाहर बैठने को भेज दिया जाएगा और फिर आपको जाने के लिए बोल दिया जाएगा। दोस्तों आई थिंक अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स, कुछ क्यूरीज या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। और दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये चैनल स्पेशली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और अगर वो हेल्प और वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाती है, आपको मिल जाती है, दैट इज़ इनफ फॉर मी दोस्तों। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपके कुछ डाउट्स, कुछ क्यूरीज हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं जल्द से जल्द उसे फीडबैक और कमेंट बैक देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।